तुम हो। देखो कितना खुश लग रहा है, और इसने इतनी मेहनत की है, that's why he deserves it. ये देख रही हो, फोन डेड था, अब फोन चालू किया है तो इतने सारे नोटिफिकेशंस। साले साहब, मुझे सिर्फ साल के 6 महीने ही ऐसी पार्टी अटेंड करने का मौका मिलता है। कुछ म्यूजिक व्यूजिक हो जाए। यूवी, लेट्स रॉक। सा डांस करोगी? आई प्रॉमिस तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा। कबीर, आपने मैसेज पढ़ा के नहीं? वैसे अभी तुम्हारे पति से बेटर डांस कर लेता हूँ मैं। कबीर, आप भी मेरी बात ही नहीं सुन रहे। भाभी सा, मैं कबीर भाई को नहीं बताऊंगी। मान जाओ ना कथा। अरे कथा, जब कबीरा इतने प्यार से कह रहा है तो फिर हो जाए। मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, तुम। कितने खुश हैं कबीर, और वहां उनका भाई है। एक बार भी नहीं सोच रहा है कि उसकी सच्चाई जानकर इनका दिल कितना टूटेगा। कबीर, आपने मैसेज पढ़ा मेरा? अभी चेक करता हूँ। चेली, इजा, तुम गई क्यों? यहीं रुक जाती, बेकार में इतनी ट्रैवलिंग हो गई। अच्छा, तुझे किसने कहा था अपनी इजा से इतनी दूर रेगिस्तान में शादी करने के लिए? ना, खुश रहो हमेशा। आप दोनों बातें कीजिए, ब्याह। इजा, तुमने दोपहर में कुछ खाया कि नहीं? पूरे रास्ते खाती पीती आई ठहरी, मेरी चिंता मत कर। तू तो बिल्कुल परी सी लग रही का था। ये कबीर के पसंद का है ना? देखना कितना प्यारे दो भाइयों में, इनके प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। अच्छा सुन, ये नैनीजा का प्रसाद लाई थी, जब भी मैं नैनीताल से वापस आऊंगी ना, तेरे लिए आशीर्वाद लेके आऊंगी। चल खा। खाना क्या सोच रही ठहरी? इजा, कबीर को भी दूंगी, हम साथ में खा लेंगे। अच्छा ठीक है, ले। ठीक है। अटेंशन 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 एवरीवन, आप तो अभी सातवें आसमान पर होंगे कबीर सर। आपके छोटे भाई ने परिवार का नाम जो रोशन किया है। मेरे चेहरे पे साफ साफ नहीं दिख रहा मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे छोटे भाई ने, आज मेरे छोटे भाई ने एक ऐसा काम किया है जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। उसने सिर्फ क्लास ही नहीं, सिर्फ कॉलेज ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी टॉप की है। और आज मैं इतना खुश हूं जैसे कि इसके साथ साथ मैंने भी किसी एग्जाम में टॉप किया। प्राउड ऑफ यू मैन। तो अब युवराज के लिए कोई प्लान सोचा है आपने? वैसे मैं तो इसे सरप्राइज देना चाहता था, पर आज सबके सामने बता ही देता हूं, मेरा भाई युवराज सिंह शेखावत क्वींस बेकरी एम्पायर ज्वाइन करेगा। छोटे, तेरे लिए एक और सरप्राइज है, मैंने तेरे लिए एक स्पेशल कैबिन बनवा भी दिया है।
बस तू इतना बता कि तू ज्वाइन कब कर रहा है। कबीर जी एक और सवाल। नहीं नहीं नहीं, बस आज का स्टार युवराज है, आपसे जो सवाल करने इनसे करने। ऑलराइट, द फ्लोर इज योर्स। युवराज साहब, आपने तो डांस यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, बहुत बड़ी बात है ये। उदयपुर खबर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपकी सफलता के पीछे इंस्पिरेशन कौन है? Well, मेरे लिए सब कुछ मेरे एक ही, मेरे बीर भाई। वो मेरे पापा साहब भी हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी और मेरा गुरूर। आप सब जानते हैं कि अपनी विश को पूरा करने के लिए लोग टूटते हुए तारे से एक विश मांगते हैं, लेकिन मुझे भगवान ने वीर भाई के रूप में एक टूटता हुआ तारा दे दिया, जिनसे मैं कभी भी कुछ भी मांगता हूं तो वो पूरा करने में पीछे नहीं हटते। सो इन शॉर्ट, मेरे वीर भाई ही मेरी इंस्पिरेशन। जितनी खुशी कबीर अभी महसूस कर रहे हैं वो सब शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन मैं उन्हें धोखे में रहते हुए नहीं देख सकती। प्लीज प्लीज मेरी मदद करना नैनी जी, कि सच्चाई उन्हें पता चल जाए और मैं उन्हें संभाल सकूं। कथा का मैसेज कब से पूछ रही है बेचारी, पढ़ा क्यों नहीं? कबीर पार्टी कैंसिल कर दीजिए, युवराज अपने रिजल्ट के बारे में झूठ बोल रहा है, मुझे कॉल कीजिए। एक्चुअली मैंने हमेशा अपने वीर भाई को दूसरों के लिए जीते हुए देखा, और उनसे ज्यादा सेल्फलेस इंसान आज तक नहीं देखा मैं। आई विश कि मैं उनके पैरों की एक उंगली जितना भी बन जाऊं, तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूं। देखो मैंने जूबी मामू के लिए कितने प्यार से बनाया है। अच्छा, ओके। एक बार मेरे यूवी ने कॉलेज टॉप किया है, युवराज शेखावत MBA। सो प्राउड ऑफ यू, तू मेरा गुरूर है और इसका सबूत है तेरा रिजल्ट।
वैसे अब्रॉड सेटल होने का भी कोई प्लान नहीं। तो मेरे वीर भाई ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि जो इंसान अपनी मिट्टी से दूर हो गया वो अपनी आत्मा से दूर हो गया। तो आप इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? नहीं, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैं अपने वीर भाई की आंखों में मेरे लिए देखती हूं, भरोसा। अरे वीर भाई, आप यहां क्यों खड़े? आइए ना, साथ में मिलकर इंटरव्यू देते, क्योंकि आप ही तो हैं मेरे रोल मॉडल। आइए। कोई गलती? कबीर आप? ये क्या ड्रामा चल रहा है इनके घर में? कबीर को मैंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। कबीर, क्या हो गया तुझे? आज आप दोनों भाइयों के बीच में नहीं बोलेंगे। कबीर, हुआ क्या है? शेली, ऐसा क्या हो गया दोनों भाइयों के बीच में कि कबीर ने हाथ उठा लिया? हाँ? कुछ गलती हो गई मुझसे। अब क्या हुआ? क्या धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरे प्यार के साथ, मेरे भरोसे के साथ? कोई यूनिवर्सिटी टॉप नहीं किया इसने, और एक बार नहीं कई बार फेल होते हुए आए ये। और इस बात की भनक तक नहीं लगनी थी इसने हमें। कौन है ये आदमी? हाँ, कौन है तू? तू मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई मुझसे कभी नहीं झूठ बोल सकता है। जीजू, ये है इसके असली रिजल्ट्स। ये है इसके झूठ की लिखी हुई सच्चाई। आपका यूवी, आप सबका युवराज, क्योंकि अब मेरा तो नहीं रहा। ये भाव लगाया तूने मेरे प्यार का? हाँ, माजा के परवरिश की ये कीमत है तेरी जिंदगी में, तेरी आंखों में, तेरी नजरों में? बार बार लगातार झूठ बोलते हुए आया तू हमसे। जबान नहीं लड़खड़ाई तेरी, आत्मा नहीं कपकपाई तेरी। अरे मन तो करता अपने हाथों से तुझे। मैं इसलिए पढ़ नहीं पाया। बस, बहुत झूठ नहीं, इससे अच्छा होता कि गला घोट के मुझे मार ही देता था तू।
क्योंकि तेरे इस झूठ से मेरा दम तो वैसे ही घुट रहा है। एक मेडिकल रिपोर्ट दूं या नहीं दूं? रहने ही देता हूं, कहीं मुझे बिना पड़ जाए। क्यों क्यों झूठ बोला? क्यों धोखा दिया तूने मुझे? कबीर मंदिया मुझे कभी बेटा लोगों के सामने तमाशा मत बना, मत कर। क्यों मासा क्यों? अगर आज इस चौखट से शमशान तक मेरी अर्थी जा रही होती तो आप चाहती ना कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग आए शोक मनाने? नहीं कभी कभी। अरे मार दिया इसने मुझे, आज जीते जी मार दिया है। हमारे परिवार का, हमारे खानदान का, हमारे पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है आज। अरे मुंह छुपाना चाहता हूं मासा, कहां जाके मुंह छुपाऊं? चीखना चाहता हूं या चीखना चाहता हूं, कहां चीखूं, कहां चिल्लाऊं? अरे मेरी आंखों में देख के इतनी सफाई से झूठ बोला इसने, इतनी सफाई से।